नाम प्रेमचंद्र सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। पिछले साल भी मैंने यहाँ पर विपश्यना कोर्स किया था और दोबारा मैं आया हूँ। मेरे जीवन का एक क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि मैं कौन हूँ, ये जिज्ञासा मुझे बचपन से रही और इसी क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँचा। और काफ़ी हद तक मुझे अभी समझ में आ रहा है कि हम जब तक अपने अंदर हैं, अपने आप को झांक करके जानेंगे नहीं, तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो विपासना सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीने की कला है जो इंसान को, सभी इंसान को मेरे हिसाब से इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि ट्राई करना चाहिए, उसके बाद उसकी इच्छा है, वो आगे कंटिन्यू करना चाहे तो करे और नहीं तो उसको छोड़ दे। लेकिन पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके तब आइए 10 दिन की विपासना के लिए, तभी ये सार्थक है और नहीं तो उसके बिना ये सार्थक नहीं है। क्योंकि हम एक चश्मा पहनते हैं, दुनिया का चश्मा। हर आदमी अपने अपने फील्ड में माहिर है, अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। वो जब अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ यहाँ आकर बैठता है तो उसको चीज़ें उसके हिसाब से दिखती हैं, ना कि जो गोयनका जी बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो इंसान को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अपना परसेप्शन, अपना अनुभव बाहर का, वो सब छोड़ देना चाहिए और यहाँ जो सिखाया जाए उसको केवल 10 दिन के लिए ग्रहण करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको इस रास्ते से चलना है कि नहीं चलना है। अगर आपके अंदर जैसे मेरा क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया था और वो मुझे मिल गया है और अब मैं इस यात्रा को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और मैं अंदर से बहुत ही बहुत खुशी हूँ, आभारी हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानता हूँ कि 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है जिसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं फिल्टर किया गया हूँ इस काम के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई गॉड प्लान भी है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और मैं आपसे यही एक लास्ट में अनुरोध करूँगा कि एक बार आप भी ट्राई करिए और तहे दिल से कहूँगा फिर से, एक बार 10 दिन का समय निकालिए। क्योंकि 70 साल 100 साल की जीवन रेखा है अपनी, 100 साल में से अगर 10 दिन आप निकाल लीजिए अपने लिए तो आपको अंदर से अनुभव होगा कि मानव शरीर क्यों मिला है और किस लिए मिला है। मंगल।